हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए बहुत आसान दो कलर्स का पैटर्न लेकर आई हूँ। देखिए, इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं 8 के मल्टीपल में, 8 के मल्टीपल फंदे लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 16 स्टिचेस 16 फंदे लिए हैं और रेड कलर में यहाँ पे प्राइमरी कलर यूज़ कर रही हूँ और ये सेकेंड कलर है। तो देखिए, पहली सिलाई सीधी तरफ से रो वन राइट साइड। पहले हम कलर टू से दूसरे रंग से दो फंदे सीधे बनेंगे, निट टू विथ कलर टू। अब हम चार फंदे प्राइमरी कलर से बुनेंगे, लेकिन देखिए कैसे, पहले दो फंदे बुन लेंगे, उसके बाद हमने इस तरह से धागे को ट्विस्ट कर लेना है, फिर दो फंदे बुनेंगे। ये हम इसलिए करेंगे ताकि पीछे से हमारी जो है लॉन्ग लेंथ ना रहे, लंबे लंबे धागे ना रहे। तो हमने दो दो फंदों के बाद ट्विस्टिंग करते हुए बुनना है। अब ये चार फंदे हमने प्राइमरी कलर से बुन लिए, अब चार फंदे सेकेंडरी कलर से बुनेंगे, दूसरे रंग से फिर चार फंदे बुनेंगे, दो बुन लिए, अब फिर से धागे को ट्विस्ट करेंगे और फिर दो बुनेंगे। तो ये आठ फंदे अब हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे, चार प्राइमरी कलर से, चार सेकेंडरी कलर से, ऐसे फिर ट्विस्ट करके ऐसे। तो ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास दो फंदे नहीं रह जाते। अब दो फंदे रह गए हैं, अब इन्हें हम सेकेंडरी कलर से बुन लेंगे। ये देखिए, निट फोर विद प्राइमरी कलर, निट फोर विद सेकेंडरी कलर, कीप रिपीटिंग। अब लास्ट में दो फंदे बुनने के बाद हमने टर्न कर लिया है। अब जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे ही हम इन्हें बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। दो हमने ये उल्टे बुन लेने हैं। अब ये जो चार हैं इन्हें हम इस कलर से, जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम उन्हें बुनेंगे। ये देखिए, इसमें भी हम धागा ट्विस्ट करते हुए बुनेंगे। तो ये चार फंदे उल्टे आ गए, अब फिर ये चार फंदे दूसरे कलर से उल्टे आएंगे। तो अब हम ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने ये रो टू कंप्लीट कर ली है। अब रो थर्ड, तीसरी सिलाई, इसे ध्यान से देखिएगा। पहले इन चार फंदों को हम राइट नीडल पर लेंगे और जो ये स्टार्टिंग वाले दो फंदे हैं इन्हें बैक साइड से आगे लेकर आएंगे यूं। अब इन फंदों को, चारों को, जिस जिस कलर से हैं उस कलर से बुनते जाएंगे। पहले ये दो फंदे रेड कलर से आ जाएंगे और अगले दो फंदे व्हाइट कलर से आ जाएंगे ऐसे। अब फिर अगले चार फंदों में हमने ट्विस्टिंग करनी है। देखिए, पहले इन चार फंदों को उतारेंगे। अब इस बार हमने जो पीछे वाले फंदे हैं उन्हें फ्रंट साइड से आगे लेकर आना है। देखिए ऐसे। अब पहले इन चार फंदों को बुनेंगे, दो व्हाइट आ गए और दो रेड आ जाएंगे। अब यही हमने जो फर्स्ट स्टेप जहाँ से रिपीट किया था वही हम फिर से रिपीट करेंगे। चार फंदे उतारेंगे और दो फंदों को बैक साइड से आगे लेकर आएंगे पहले। अब इन्हें जिस कलर में है उसी कलर में बुन लेंगे सीधा, फिर इन दो फंदों को दूसरे कलर से। तो ऐसे हम रिपीट करते जाएंगे। अब फिर से इन चार फंदों को उतारेंगे, दो को ट्विस्ट करेंगे आगे की तरफ से लेकर आएंगे इस बार। तो एक बार हमने आगे से फंदों को लेकर आना और एक बार पीछे से, बस यही हमने दो स्टेप्स जो है वो ध्यान रखने हैं। अब फिर जैसे फंदे हैं कलर्स वैसे ही हम इन्हें बुन लेंगे। लास्ट के दो फंदे रेड आ गए। तो ये हमने थर्ड रो कंप्लीट कर ली। अब फोर्थ रो, चौथी सिलाई, जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं हमने वैसे ही इन्हें बुनना है उसी कलर में। ये देखिए, पहले फंदे को स्लिप करते हैं तो स्लिप कर सकते हैं, एक फंदा ये उल्टा बुना, अब ये चार फंदे दूसरे कलर से उल्टे बुनेंगे। वन टू, ट्विस्ट करना नहीं भूलिएगा धागे को। ये देखिए,
अब ये बुन लिए। अब फिर दो फंदे पहले ही बुनेंगे, फिर ट्विस्ट करके फिर दो फंदे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे हमने इन फंदों को जैसे दिख रहे हैं वैसे बुन लेना है। तो ये फोर रोज जो है, चार सिलाइयाँ, इन्हीं को ही हमने रिपीट करना है। थोड़ा सा मैं आपको इसलिए फिर से बताऊंगी क्योंकि इस बार हमारा कलर चेंज होगा। ये देखिए, रिपीट दिस 1-4 रोज, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे कलर की वजह से। देखिए ये फिर से हमने इन चार फंदों को उतारा, पहले वाले फंदों को बैक साइड से आगे लेकर आए ऐसे, और फिर इन्हें बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये चार ही सिलाइयां हैं जिन्हें हमने बार बार रिपीट करते जाना है। तो जब हम इन फोर रोज को बार बार रिपीट करेंगे, देखिए, तो हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। ये देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा और यूनिक पैटर्न है और बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। तो इस पैटर्न को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत अलग और नया पैटर्न है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है बनाने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।